हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो ये है क्लास 10th CBSE का सैम्पल पेपर एजुकार्ट का। आपको पता है एजुकार्ट नंबर 1 पे है, मीन्स सबसे अच्छी बुक किसी मानी जाती है एजुकार्ट की। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ आपके इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर्स हैं, जो कि जैसा कि आपको पता है आपका पेपर कब है, 4 मार्च को है ना। तो इसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में करके जाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। देखिए, आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं और ये सब इसके कुछ शॉर्ट नोट है। तो हम लोग आते हैं सीधा सैम्पल पेपर पे। ये देखिए, ये है 2020 का सैम्पल पेपर और ये सब आपको करके जाने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होते हैं। अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। ये देखिए, इस बार पता है आपको केस स्टडी भी इस क्वेश्चन भी आ रहे हैं और एसोसिएशन रीजन तो आपके में आई है। ये हैं आपके कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन। और तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ये देखिए सेक्शन, पेपर तो काफ़ी लेंथी है पर इसमें आपको ऑप्शन भी मिल रहे हैं ना, इसीलिए। सेक्शन से ये आपका, तो चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। आप इसको देख के कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस इससे अच्छी कर सकते हैं आप। ये कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन। और अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए तो आपको डायग्राम भी बनाना चाहिए। जैसे कोई आंसर है तो अगर आपने उसमें डायग्राम बना दिया तो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। देखिए, यह है आपका कुछ सॉल्यूशन और आप कहेंगे तो मैं सभी चैप्टर का शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि भी बहुत बच्चे होंगे जिनका कुछ भी नहीं तैयार है, तो आप शॉर्ट नोट को पढ़कर भी पासिंग मार्क्स ला सकते हैं आराम से। ये सेक्शन सी का, डायग्राम भाई आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम बनाया है और क्वेश्चन थोड़ा भी लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, इसलिए डायग्राम ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाइएगा। और बाद में तो डायग्राम रहता ही है।